कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की बुक होती है जो रिकॉर्ड करती है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, और ये परफॉर्म करती है ड्यूल रोल, ठीक है। ये किसकी किसकी रोल किसका किसका रोल प्ले करती है? एक जर्नल और लेजर दोनों के लिए रोल प्ले करती है कैश बुक। ड्यूल रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये वर्क करती है बोथ एज जर्नल एंड लेजर फॉर ऑल द कैश ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैश बुक रिकॉर्ड करती है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कैश रिसिप्ट डेबिट साइड में और कैश पेमेंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश रिसिप्ट को डेबिट साइड में और किया जाता है रिकॉर्ड और कैश पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में। और इसमें क्या नहीं कंसिडर किया जाता है? क्रेडिट सेल्स और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ये दोनों चीजों को कंसिडर नहीं किया जाता है कैश बुक में। और इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर तो यही हो गया, ये एक्ट करती है बोथ एज अ जर्नल एंड अ लेजर, ठीक है, और इसको यूज किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैश अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। इट फॉलोज ड्यूअल एंट्री सिस्टम, जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड वाली सिस्टम है वो ड्यूअल एंट्री सिस्टम ये फॉलो करती है, और डेबिट साइड जो होगी वो आइडेंटिकल होनी चाहिए क्रेडिट साइड के, ठीक है, कॉलम्स वगैरह इनके आइडेंटिकल होने चाहिए। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ कैश बुक। पहले है सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल, ट्रिपल और पिटी कैश बुक। ये चार टाइप की कैश बुक्स होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? जो हम इतनी देर से कैश बुक बोल रहे हैं वो हम सिंगल कॉलम कैश बुक की ही बात कर रहे थे, और इसको सिंपली हम कैश बुक बोल सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है? कैश रिसीव्ड या फिर रिसिप्ट जो होंगी जो कि लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि डेबिट साइड, और कैश पेमेंट्स जो होंगी वो राइट साइड में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और बैंक ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट्स जो हैं आर गिवन फॉर दैट आर गिवन फॉर ट्रांजैक्शंस विल बी फीचर्ड इन सेपरेट लेजर अकाउंट इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और यही चीज़ें, यही दो चीज़ें जो होंगी इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक से। मतलब डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और ऐड कर दिया जाएगा और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में दो और कॉलम ऐड कर दिए जाएंगे, और उनके साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट जो होंगे साथ में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। अब कैश बुक्स आर अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है, इसको डेली हम अपडेट करना होता है बिजनेस फॉर्म्स में। और ये जो कैश बुक होती है इसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं ऐड किया जाता, इसमें सिर्फ डेबिट बैलेंस ही शो किया जाता है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि एडिशनल कॉलम को रिजर्व किया जाता है, एक एडिशनल कॉलम होता है जो कि डिस्काउंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें ये आ गया, और अब इसको टू कॉलम कैश बुक बोलती है। अब टू कॉलम कैश बुक कैसे बोलेंगे? जो कैश रिसिप्ट्स और ट्रांजैक्शन होगी वो एक कॉलम में रिकॉर्ड होंगी, और जो सेकंड कॉलम होगा वो रिजर्व होगा रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट प्रोवाइडेड के लिए, ठीक है। ये आ गए, टू कॉलम्स हो गए। फिर डिस्काउंट जो होंगे, जो डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट प्रोवाइडेड जो होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में। इसके बाद है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? इसमें पहला वाला जो अभी हमने ऐड किया डिस्काउंट वाला कॉलम के साथ साथ एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जो होगा बैंक ट्रांजैक्शंस, मतलब इसमें दो और कॉलम्स आ गए, तो इसको बोल दिया ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ड्यू टू द एडवांस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री मोस्ट फर्म्स डील इन चेक्स एंड देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ बैंक कॉलम इन अ कैश बुक इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली। समझ आ गया? मतलब बैंक कॉलम एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल की एडवांस एकदम सिस्टम चल रहा है, तो उसके लिए एक बैंक कॉलम बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली समझा जा सके। इसके लिए होता है बैंक ट्रांजैक्शन का भी एक कॉलम इसमें ऐड किया हुआ ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। और इसके बाद है पिटी कैश बुक। अब जो पिटी कैश बुक है
जो नाम से ही पता चल रहा है कि पिटी कैश बुक मतलब स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए ही होगी ये, ठीक है। सच ट्रांजैक्शन कैन अकर इन अ डे, मतलब कि क्या होता है कि बार बार रिपीटिवली मतलब एक ट्रांजैक्शन हो रही है सेम चीज़ की बार बार, तो उसको उसके लिए एक अलग मतलब जनरल कैश बुक बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कि पिटी कैश बुक, और उसको सेपरेटली मेंटेन किया जाता है।